स्वागत है आपका आज एक और न्यू मकान में। आज जो मैं आपके लिए मकान लेकर के आया हूँ बिल्कुल न्यू है, रेडी टू मूव के लिए। पार्किंग एरिया में आपको डॉन सीलिंग का काम मिलेगा, जो चारों साइड में एलईडी लाइट का यूज किया गया है, जो देखने में काफी अच्छा लगता है। इंट्रेंस में ही आपको स्टेयर मिल जाएगा। यहाँ पर अभी ग्रिल लगना बाकी है, जब आप इसे परचेज करते हैं तो आपको पूरा ओके करके दिया जाएगा, बस कुछ काम इसमें बाकी है, नहीं तो ये पूरा ओके है। यहाँ पर आपको मेन कनेक्शन बिजली का मिल जाता है, इलेक्ट्रिसिटी का। ये डाउन सीलिंग आपको यहाँ पर मिलता है, जो काफी अच्छा देखने को मिल जाता है यहाँ पर। तो चलिए अंदर की तरफ। ये हमारा सेकंड एंट्रेंस डोर है, जिसमें दो गेट का यूज किया गया है, एक ग्लास का गेट है और एक वुड का। यहाँ पर एंटर करते ही आपको लॉबी मिल जाता है, लॉबी में काफी अच्छा स्पेस दिया गया है। यहाँ पर आपको सारा काम ओके मिलेगा, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं, एसी का कनेक्शन भी है यहाँ पर पहले से ही दिया गया है, जिससे आपको मकान में कोई भी तोड़फोड़ करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। यहाँ पर आपको एक एलईडी पैनल मिल जाता है लॉबी में ही, इसके साथ में ही आपको एक ओपन किचन मिलता है, जिसमें कपबोर्ड का काम हुआ है। किचन में भी आपको एक डॉन सीलिंग मिल जाता है। इस वीडियो को पूरा देखिए, पूरी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। अगर कोई भी क्वेश्चन आपके मन में हो तो जरूर कमेंट करके पूछ लें। और प्राइस इसलिए आपको इस वीडियो में नहीं बताया जाता है, क्योंकि कोई भी मकान अगर 3 से 4 मंथ अगर वो सेल नहीं होता है, तो उस मकान का प्राइस ज्यादा होने का चांसेस रहता है, वो बिल्डर या ओनर उसे रेट हाई कर देते हैं। यहां पर आपको कपबोर्ड का काम मिलेगा, जो बिल्कुल मैचिंग है। ये मकान 3 BHK का है, 2 बेडरूम आपको नीचे मिल जाएगा और एक ऊपर। तो चलिए पहला बेडरूम देखते हैं। ये हमारा फर्स्ट बेडरूम है, इसमें भी आपको एसी का कनेक्शन मिल जाएगा। एसी का कनेक्शन पूरे मकान में दिया गया है। यहां पर आपको पीओपी का काम मिलेगा, इसमें पीओपी का डिजाइन है, चारों साइड में एलईडी लाइट लगा हुआ है। इसके साथ में ही आपको एक अटैच वॉशरूम मिल जाता है, वॉशरूम आपको दोनों बेडरूम में मिल जाएगा नीचे में। ये मकान चंडीगढ़ रोड से 2.5 किलोमीटर अंदर में है। अगर आप नए हैं इस चैनल पे या सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली जानकारी आपको मिलता रहेगा। यहां पर आपको एक एलईडी पैनल मिल जाता है इस रूम में, और ये हमारा सेकंड बेडरूम है। सेकंड बेडरूम में लगभग फर्नीचर का काम भी आपको मिलता है। ये बेडरूम मिलेगा, ये कपबोर्ड का काम हुआ है। इसमें आपको एक अलमारी मिल जाता है, एक बेडरूम मिल जाएगा,
और एक आपको एलईडी पैनल मिल जाएगा। काफी अच्छा वर्क हुआ है जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस मकान के लिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा, वहां से आप हमें डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ये एलईडी पैनल आपको मिलता है, इसमें भी आपको पीओपी का काम मिलता है, पीओपी की डिजाइन जो चारों साइड में एलईडी का लाइट लगा हुआ है। इसके साथ में ये एक और आपको वॉशरूम मिल जाता है, दोनों बेडरूम के साथ में ही आपको एक वॉशरूम मिल जाएगा नीचे में। और यहां पर आपको एक छोटा सा स्पेस मिल जाता है जहां पर हैंड वॉश लगाया गया है, यहां पर वेंटिलेशन मिलता है जिससे सनलाइट आता रहेगा दिन में। तो चलिए थर्ड बेडरूम भी देख लेते हैं हम। ये मकान 110 गज में बना हुआ है, काफी अच्छा स्पेस है इस मकान में। यहां पर भी आपको डाउन सीलिंग मिलता है, डाउन सीलिंग में एलईडी लाइट यूज किया गया है जो काफी अच्छा डिजाइन दिया गया है और काफी अच्छा लुक देखने को मिलता है। यहां पर आपको आधा छत खाली मिलता है। ये हमारा थर्ड बेडरूम है जो 3BHK कंप्लीट होता है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं या इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड और फैमिली तक पहुंचाएं शेयर करके। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में।